हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू EACT क्लासेस एजुकेट ऑल चैरिटेबल ट्रस्ट। दिस इज़ अशकुर रहमान गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुडे, दैट इज़ एवरेज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इन लास्ट लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस आपके साथ किया था परसेंटेज, परसेंटेज होता क्या है, कैसे हम परसेंटेज को निकालते हैं, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट एक MCQ सीरीज़ उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाए थे। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एवरेज। तो एवरेज एक्चुअली होता क्या है? व्हाट इज़ एवरेज? इफ़ ऑल द आइटम्स इन अ ग्रुप आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, देन ईच आइटम इन अ ग्रुप विल गेट दैट इक्वल वैल्यू इज़ नोन एज एवरेज। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास मेम्बर्स, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 मेम्बर्स है, सपोज मेम्बर नंबर 1, मेम्बर नंबर 2 और मेम्बर नंबर 3। ठीक है, आपने क्या किया, इसको भी 9 रुपीज़ दिए, इसको भी 9 रुपीज़ दिए और इसको भी 9 रुपीज़ दिए। तो इसका मतलब क्या है, आपने हर एक मेम्बर को इक्वल वैल्यू दिया ना, तो इस इक्वल वैल्यू को आपको क्या बोलते हैं, एवरेज। तो एवरेज, ठीक है, एवरेज मतलब औसत, औसत मतलब इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब जबकि आपके दिमाग में एवरेज आएगा, आपने दिमाग में रखना है कि मुझे इक्वालिटी रखनी है। तो राइट, इक्वालिटी कौन सा आर्टिकल होता है पॉलिटी में, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पॉलिटी भी रिवाइज करते हैं। ठीक है, ये 5 आर्टिकल्स होते हैं, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स मैंने बताए दे, यहाँ पे 5 आर्टिकल्स आपके राइट इक्वालिटी में आते हैं, आपने बताना है कौन कौन से आर्टिकल उसमें होते हैं। ठीक है, और इस ये किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या, मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपके पास एवरेज आता है तो आपने बताना है एवरेज इक्वल्स, एवरेज का मतलब क्या हुआ, इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब आपने कोई इनजस्टिस नहीं करनी है। क्योंकि देखो, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा ना, तो आप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को कभी भी कर सकते हो, लेकिन ट्रिक्स वगैरह भी ज़रूरी है ताकि आपकी स्पीड वगैरह बढ़ जाए, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो अगर आप फॉर एग्जांपल JK SSB के लिए पर्टिकुलरली पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आपके पास टाइम होता है, लेकिन सपोज यहाँ पे जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स होते हैं, इनको मैथ का ये फोबिया होता है कि हमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। इवन मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है ना, आप विदाउट यूजिंग पेन आप उसको कर सकते हो, चाहे वो स्टूडेंट मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो या वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, वो भी ऐसे क्वेश्चंस को विदाउट यूजिंग पेन कर सकता है, वो मैं आपको गारंटी दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप कोशिश करो कि मुझे कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बता दिया कि एवरेज मीन्स इक्वालिटी, एवरेज मीन्स इक्वालिटी। ठीक है, तो जब भी आपके पास एवरेज वाला क्वेश्चन आएगा, आपने दिमाग में रखना है कि मुझे इक्वालिटी करनी है। इक्वालिटी मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द मेंबर्स, अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। मतलब कभी अगर आपके क्लासरूम में होता है, आपने हर एक को इक्वालिटी के साथ देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एवरेज वाला कॉन्सेप्ट ये होता है। अब हम कोशिश करेंगे कि एवरेज वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या है कि उसकी जो मेन बेसिक फार्मूला जो है वो सिंपल ये है, एवरेज इक्वल्स क्या होता है, सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। मतलब आपके पास जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको सम करना है कि हर एक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अभी बताया था ना आपको 3 मेंबर्स है। ठीक है, मैंने इसको कितना दिया, इसको कितना दिया, इसको कितना दिया, तो इनको हम सम करना है, फिर इसको डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितनी है, 3, तो आपका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज करेंगे, उससे हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, तो डिफरेंट वे कैसे है, लेकिन हम बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रखेंगे कि कैसे हम एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इफ़ 3 persons have ₹35, ₹45 and ₹37 respectively, find their average money। तो देखो यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिंपल क्या है, एक पर्सन है, उसके पास कितने पैसे हैं, उसके पास 35 rupees है। ठीक है, सेकेंड पर्सन के पास कितना है, 45 rupees। ठीक है, और थर्ड पर्सन पे पास कितने हैं, 37 rupees। ठीक है, आपके पास 3 पर्सन है, एक के पास 35 है, दूसरे के पास 45 है, और थर्ड पर्सन के पास 37 है। तो आप एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज का फॉर्मूला सिंपल, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना, यही है ना। तो यहाँ पे सम क्या होगा, आप सम करो, 5, 5, 10 और 7 कितने हो गए, 17। ठीक है ना, 1 हो गया कैरी ऑन, 1 हो गया कैरी ऑन, और 6, 6 और 4 हो गए 10, 10 और 1 हो गया 11, तो 1, 1, 17। तो डिवाइड बाई क्या करना है, इसको 3 से डिवाइड करना है, तो 1, 1, 7 को आपने 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, 3 वन ज़ार
थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व इलेवन से ज़्यादा हो रहा है ना, तो मैं करूँगा यहाँ पे थ्री थ्री ज़ा नाइन। तो कितने हो गए कैरी यहाँ पे, थ्री थ्री ज़ा नाइन, यहाँ पे कैरी दो हो गए ना, ये बन गया ट्वेंटी सेवन। तो थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन, थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन, तो आपको यहाँ पे एवरेज कितना आ गया, थर्टी नाइन। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फार्मूला है जिससे आप एवरेज निकाल सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक अलग अप्रोच से कोशिश करने की ट्राई करूँगा कि आपको इस क्वेश्चन में कैसे जल्दी होगी। देखो इसमें क्या है, आपके पास तीन ऑब्जर्वेशन थी ना, कौन कौन सी थी, एक के पास एक आपका थर्टी फाइव था प्लस, दूसरा आपका थर्टी सेवन था प्लस, तीसरा आपका 45 था। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, एवरेज मीन्स इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी का मतलब हर एक को सेम अमाउंट मिलना चाहिए, सेम क्वांटिटी मिलनी चाहिए, है ना एवरेज। अगर मैं यहाँ पे तीनों ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान दें, इसको कितना मिला 35, ठीक है, इसको कितना मिला 37, इसको कितना मिला 45, तो जो ये 37 और 45 इनको ज़्यादा मिला ना, इसको कितना ज़्यादा मिला, 2 मिला ना ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा मिला ना 2 रुपीज़। ठीक है, इसको कितना मिला ज़्यादा, इससे 10 रुपीज़। ठीक है, इसको क्या मिला, इसको 0 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला 35। आपने क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जब आपके पास दो तीन ऑब्जर्वेशन होगी, जल्दी जल्दी करना होगा, आपने बेस लेनी है, कोई बेस कौन सी है यहाँ पे 35, ठीक है, प्लस इस ये 35 सबको मिला ना, देखो 37 वाले को भी 35 मिनिमम अमाउंट सबको मिला ना, 45 वाले को भी 35 मिली, ये तो सबको मिला 35। अब जो 37 वाला इसको एक्स्ट्रा कितना मिला, 2 रुपीज़ मिले ना, 45 वाले को एक्स्ट्रा कितना मिला, 10 रुपीज़ मिला ना, तो टोटली एक्स्ट्रा कितना यहाँ पे है, 0 प्लस 2 प्लस 10 कितना हुआ, 12। तो यहाँ पे जो 12 एक्स्ट्रा है, 12 अमाउंट जो एक्स्ट्रा है, ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो आप क्या करोगे ऐसे 0 प्लस 2 प्लस 10, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 35 प्लस ये कितना होगा 12 अपॉन 3, तो क्या बना यहाँ पे 35 प्लस 12 अपॉन 3 कितना हो गया 3 1 3, 3 4 12, 4, तो 35 प्लस 4 कितना हो गया 39। कितना आसान हो गया, जल्दी आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो, बस ये अनदर अप्रोच है आप क्वेश्चन को कैसे जल्दी करोगे। लेकिन जो भी जिसको लगता है कि मुझे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप उस बेसिक मेथड से उन तीनों को सम करके निकाल सकते हो, लेकिन ये आसान है, इससे आप जल्दी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट न्यू क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, देयर इज़ ए ग्रुप ऑफ 39 मेंबर्स, कितने मेंबर्स आपके पास है 39 मेंबर्स, एंड एवरेज मनी इज 14.5 रुपीज़। आपके पास 39 मेंबर्स है, उनके पास एवरेज मनी कितना है 14.5 रुपीज़। फिर क्या बोल रहा है, इफ़ रुपीज़ 5 इज़ गिवन टू ईच, फाइंड द न्यू एवरेज, मतलब आपने 5 रुपीज़ हर एक बंदे को दिए, मतलब इक्वल दिए, तो एवरेज कितना बना। देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ऐसे है, ठीक है, समझना क्वेश्चन को, ऐसे आपके पास क्वेश्चन है, कितने मेंबर थे 39 आपके पास मेंबर्स थे, इसको समझ लेना इस अप्रोच को, ठीक है। तो एवरेज रुपीज़ कितनी थी 14.5, मतलब इतने मेंबर ऐसे हैं ना, 39 टोटल, 1 2 3 4 7, ऐसे 39 मेंबर्स हैं, हर एक के पास कितने हैं 14.5। अब आपने क्या किया, 5 रुपीज़ हर एक को दिए, इसको भी 5 दिए, ठीक है, इसको भी 5 दिए, हर एक को 5 रुपीज़ दिया ना, हर एक को जो 5 मिला, मतलब सबको 5 मिला ना, तो न्यू एवरेज क्या होगा, सीधी 14.5 पिछला एवरेज था, प्लस सबको 5 मिला ना, तो प्लस फाइव होगा ना सीधे, तो कितना आ गया न्यू एवरेज 19.5। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, मतलब मैंने पहले ही आपको बोला था एवरेज मीन्स इक्वालिटी, मतलब यहाँ पे आपको सिंपल, मैं पहले तीन बंदों के, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 पर्सन थे, ठीक है, आपके पास 3 पर्सन थे, 1 2 3, ठीक है, इनको मैंने 10 10 रुपीज़ दिए, कितने थे, इनका एवरेज था 10, एवरेज का 10 मतलब क्या था, इनके पास 10 10 रुपीज़ थी। अब बोल रहा है मैंने सबको 5 दिए, मतलब इसको भी 5 दिए, न्यू एवरेज क्या होगा 15, है ना, 10 प्लस, इसको 50 मिलेंगे, समझ आ रही बात। जब ऐसा क्वेश्चन होगा कि जब आप हर एक बंदे को सेम अमाउंट दे रहे हो, तो एवरेज भी उतने ही अमाउंट से इंक्रीज़ होगा, समझ आ रही बात। तो इफ़ ईच अमाउंट इज़ गिवन टू ईच मेंबर, देन एवरेज इज़ इंक्रीज बाई सेम अमाउंट, मतलब यहाँ पे अगर आपने 5 रुपीज़ हर एक को दिए, तो ये 5 ऐड होगा आपके पिछले एवरेज से, प्रीवियस एवरेज से, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे, देखो क्या है, इफ़ एवरेज ऑफ 15 मेंबर्स इज 35, आपके पास 15 मेंबर्स का एवरेज कितना था पहले,
35, ठीक है 35। अब क्या बोल रहा है, फाइंड व्हाट इज़ द न्यू एवरेज इफ़, पार्ट नंबर ए हम बताएंगे यहाँ पे। ए पार्ट क्या बता रहा है, रुपीज़ 5 इज़ गिवन टू यू, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया सी, मतलब हाँ आपने पिछला एवरेज क्या था आपके पास 35, अब अपने हर एक मेंबर को कितने रुपीज़ दिए, 5 रुपीज़, तो न्यू एवरेज क्या हो गया यहाँ पे, 35 प्लस 5 क्या हो गया, 40। सिंपल, हर एक को पहले कितना था 35 रुपीज़, मतलब मुझे 35 था, दूसरे को भी 35 था, थर्ड वन को 35 था, हब 15 मेंबर्स थे, सबको 35 रुपीज़ एवरेज था। अब मैंने सबको 5-5 रुपया दिया, 5-5 रुपीज़ दिए, तो सबका एवरेज क्या हो गया 40, ठीक है ना। ऐसे सेकंड पार्ट क्या है, इफ़ रुपीज़ 5 डिडक्टेड फ्राम ईच, मतलब हर एक को अपनी 5-5 रुपीज़ वापस ली, तो पहला एवरेज कितना था आपका 15 मेंबर्स का, प्रीवियस एवरेज क्या था 35, ठीक है 35। अब आपने हर एक से 5 रुपीज़ लिए, मतलब 5 माइनस हो गया ना हर एक का, तो न्यू एवरेज क्या आ गया आपका 35 माइनस 5 कितना हो गया 30। सिंपल, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप किसी को 5, अगर आप हर एक को 5 रुपीज़ दे रहे हो तो एवरेज क्या होगा, इंक्रीज बाई 5, 35 प्लस 5 40। अगर आप हर एक से डिडक्ट कर रहे हो 5 रुपीज़ तो एवरेज क्या होगा, डिक्रीज बाई 5, 35 माइनस 5 हो गया 30, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, इफ़ ईच नंबर इज डबल्ड, मतलब 35 था ना हर एक का एवरेज, 35 था हर एक अमाउंट, मतलब 15 मेंबर्स थे, सो ऑन अप टू 15, ठीक है। अब हर एक नंबर आप डबल कर रहे हो, ये क्या बन जाएगा 70, तो मतलब ये भी क्या बन जाएगा 70, ये भी क्या बन जाएगा 70, तो सारे 70 बन जाएगी ना, डबल वही हुआ ना, डबल वही हुआ ना, मल्टीपल बाई 2, तो न्यू एवरेज क्या हो गया यहाँ पे 70। आंसर समझ आ रही बात। अब क्या बता रहा है फोर्थ पार्ट, इफ़ ईच नंबर इज़ हाफ्ड, मतलब हर एक नंबर को आप आधा कर रहे हो, मतलब पहले क्या था एवरेज सबका 35, सेकेंड का भी 35, सो ऑन, हर एक 15 मेंबर्स का 35 था अमाउंट, क्योंकि एवरेज वही होता ना। अब हर एक मेंबर आप हाफ कर रहे हैं, मतलब डिवाइड बाई 2, क्या होगा, ये हो गया 17.5, ठीक है ना, हर एक मेंबर, ये भी क्या बन जाएगा 17.5, ये भी क्या बन जाएगा 17.5, तो न्यू एवरेज क्या बन गया 17.5। आंसर समझ आ रही बात। तो ये आपके सिंपल कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इन पे आप कंफ्यूज हो जाते हो फिर, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं होता एवरेज का, आप फिर वही फार्मूला लगाते हो, मैं इसको कैसे करूँगा, इसको तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो सिंपल, आपने जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, मतलब एवरेज मीन्स इक्वालिटी, एवरेज मीन्स इक्वालिटी, ठीक है, तो मेरे पास पहले एवरेज था 35, अब मैंने हर एक को 5-5 रुपीज़ दिया तो एवरेज क्या बन गया 40, नहीं अब मैं करूँगा हर एक से 5-5 रुपये वापस लूँगा, एवरेज क्या बन गया 35-5 30, ठीक है ना, समझ आ रही बात। तो अब मैंने डबल किया हर एक अमाउंट को डबल किया, तो मतलब 35 × 2 70, न्यू एवरेज 70। अब मैंने इसको हाफ किया, हर एक क्वांटिटी, हर एक मतलब ईच जब लिखा होगा ना, ईच आपने ईच पे फोकस करना है, ईच मेंबर इज़ हाफ, ईच नंबर इज़ हाफ, मतलब 35 हर एक को था, फिर मैंने हर एक को हाफ किया, मतलब 17.5 अब हर एक को मिला, हर एक का मतलब इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब एवरेज, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सिंपल क्वेश्चन क्या है, देयर आर 120 मेंबर्स इन ए क्लास, इफ़ एवरेज मार्क्स इज 35, मतलब आपके पास मेंबर्स कितने हैं 120, मतलब बंदे आपके पास क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 120, हर एक के एवरेज मार्क्स कितने हैं 35, तो टोटल मार्क्स कितने हुए आपके पास। देखो यहाँ पे मतलब वही जब मैंने अभी जो डब्बा बनाया, डब्बे को आपने सीखना है बनाना, ठीक है, यहाँ पे ऐसे डब्बा है आपके पास, ठीक है ना, तो मेंबर्स कितने आपके पास है, मेंबर्स आपके पास है 120, तो एवरेज कितना है आपका, एवरेज कितना है 35, तो मतलब हर एक के पास 35 है, मतलब 120 मेंबर जो है, फर्स्ट मेंबर को भी 35 मार्क्स है, सेकंड को भी 35, थर्ड को भी 35, तो टोटल मार्क्स क्या होंगे, सीधे ये जो डब्बा है 35 × 120, आंसर 35 × 120, आंसर समझ आ रही बात। इसमें कुछ नहीं करना है, मतलब आपके पास मेंबर कितने हैं और हर एक मेंबर को कितने 35 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितने हैं आपके, 120 × 35। अब इस 120 × 35 को कैसे मल्टीप्लाई करें वो आपकी मर्जी है, अगर मैं करूँगा, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट लेक्चर में क्या था, आपके पास था 120 × 35, ठीक है 35, मैंने बोला 35 मुझे पसंद नहीं है, 35 मुझे क्या पसंद 70, 35 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 क्या बन जाएगा 70, फिर मैं 2 डिवाइड बाई 2 करूँगा ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका 120 × 70 डिवाइड बाई 2, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 6 × 7 = 42, फिर क्या है ये 20, आंसर 4200, कितना आसान हुआ। वैसे भी आप कर सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है, तो ऐसे आप जल्दी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, क्या था आपके पास 120 × 35, तो फिर आप 2 डिजिट वाला भी कर सकते हो, 12 × 35 को मल्टीप्लाई करो, 0 का ऐसे रखो, 0 बाद में कर दो, क्या आ जाएगा 2 × 5 = 10, 1 कैरी ऑन, ठीक है 1 × 5 = 5,
प्लस 3 2 ज़र 6 6 और 12 को 35 से करना है ना, 2 5 ज़र 10 1 कैरी 5 अंदर 5 3 टू 6 और कितना 11 11 1 कितना हो गया 12 और 3 1 3 और 1 कितना हो गया 3 1 ज़र 3 और 1 कितना हो गया 4 4 20 और ये जीरो था 4200 आंसर। समझ आ रही बात जो कैसे आपको था ना मल्टीप्लाई क्या था 120 इंटू 35 तो ज़ीरो आप ऐसे रखो ठीक है, ज़ीरो आप फिलहाल रख लो, आपको 12 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करते थे आप 12 इंटू 35 ठीक है, कैसे करते थे इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2 5 10 1 कैरी ऑन हो गया 5 1 5 प्लस प्लस 3 2 6 5 और 6 कितने हो गए 11 11 1 कितना हो गया 12 तो 2 1 कैरी ऑन 3 1 3 3 और 1 कितने हो गए 4 4 20 आ गया ना और वो पीछे ज़ीरो था कितना हो गया 4200 आंसर ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लाया क्योंकि आपका प्राइम नंबर वगैरह नंबर सिस्टम था सिलेबस में, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने कम से कम फर्स्ट प्राइम नंबर्स अप टू 50 तक आपने याद रखने हैं, 51 तक जो भी आपके फर्स्ट प्राइम नंबर्स होते हैं वो अपनी सारी याद रखने हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है आपके पास जो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स है उनका एवरेज निकालना है। देखो फर्स्ट प्राइम के सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है आपको अगर याद होगा 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है 3 के बाद कौन सा है 5 के बाद कौन सा है 7 के बाद कौन सा है 11। ये आपके 5 प्राइम नंबर्स है इनका एवरेज निकालना है, एवरेज मतलब इनका सम करना है डिवाइड बाय करना है नंबर ऑफ पॉजिट्स। तो कितने हैं 5 है ना तो क्या करोगे 2 और 3 कितने हो गए 5 और 10 कितने 5 कितने हो गए 10 10 और 7 कितने हो गए 17 17 और 11 कितने हो गए 27 28 तो 28 डिवाइड बाई 5 अब इसको एवरेज निकालना है। मैं अपने तरीके से करता हूँ, मैंने बोला था मुझे 5 से डिवाइड करना अच्छा नहीं लगता, मुझे किससे डिवाइड करना लगता अच्छा 10 से 5 2 10 ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करूँगा ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 8 16 1 कैरी ऑन 2 2 4 और 5 कितने 56 डिवाइड बाई 10 56 डिवाइड बाई 10 क्या है आपका आंसर 5.6 बिल्कुल आसान, कैंसिलेशन मत होगी यहाँ पे। समझ आ रही बात फिर से बताता हूँ क्या था आपके पास 2 3 5 7 और 11 इनको सम करना आएगा ना 2 और 3 हो गए 5 और 5 हो गए 10 10 और 7 हो गए 17 और 11 10 कितने हो गए 27 और 1 हो गया 28 तो 28 को डिवाइड करना है 5 के साथ। आप ऐसे भी कर सकते हो 5 1 5 5 5 25 फिर 3 कैरी ऑन 35 5 6 35.6 ठीक है, लेकिन मैं अपने तरीके से जल्दी करता हूँ कैसे, मैंने बोला जब 5 होगा आप कोशिश करो इसको 10 बनाओ। कैसे बनाओगे 10 मल्टीप्लाई 2 ऊपर ही मल्टीप्लाई 2 फिर ठीक है ना 28 इंटू 2 क्या हो गया 56 हो गया ना 2 8 16 1 कैरी ऑन 2 2 4 5 56 डिवाइड बाई क्या हो गया 10 तो जब डिवाइड बाई 10 होगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ना 5.6 आपका आंसर ठीक है। तो जल्दी हो जाती है ऐसे क्वेश्चन को करने में ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कभी कभार कि ऐसे क्वेश्चन आता है फॉर एग्जांपल आपके क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज ये है, अब इनके क्लासरूम में टीचर आ गया, ओब्वियसली टीचर की एज बड़ी भी हो सकती है ठीक है, तो जब टीचर आ गए थे इनकी एवरेज बढ़ गई तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि उस जो न्यू पर्सन आपका आ रहा है उसकी एज कितनी थी ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है न्यू पर्सन इंक्लूडेड कॉन्सेप्ट, मतलब जब भी आपके ग्रुप में किसी ग्रुप में इतने मेंबर होंगे 10 मेंबर होंगे जो का एक्स्ट्रा मेंबर आ रहा है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा एवरेज का। देखिए यहाँ पे ध्यान देना आपको दो चीज़ें, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ग्रुप है ठीक है, आपके पास कोई ग्रुप है सपोज 10 मेंबर्स का ठीक है, इनका एवरेज एक्स है समझ लेना। अब जो 11th मेंबर आ रहा है अगर ये एवरेज बढ़ रहा है तो ये जो मेंबर होगा ना नेक्स्ट वाला फिर इसकी एज इस एवरेज से ज़्यादा होगी ना। फॉर एग्जांपल इनका एवरेज सपोज आपके पास 10 मेंबर थे एवरेज पहले था 30 ठीक है, अब मैंने नया मेंबर ग्रुप में डाला एवरेज बन गया 31, मतलब ये जो 1 किससे बढ़ा इस नए मेंबर की वजह से बढ़ा ना, तो ये नए मेंबर की एज क्या होगी इस 30 से ज़्यादा ही होगी। समझ आ रही बात। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है आपके पास ये ग्रुप है ठीक है, आपके पास ग्रुप है सपोज 10 मेंबर्स का, आपका एवरेज है 30 ठीक है, अब मैंने एक्स्ट्रा मेंबर इंक्लूड किया उससे आपका एवरेज डिक्रीज़ हो गया सपोज 1 मतलब 20 नहीं है हो आप, तो जो नया मेंबर है उसका एज कम होगा ना। समझ आ रही बात। तो आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले देखना है कि दिमाग में आपके क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए थोड़ा बहुत, जब भी आपका नया मेंबर आएगा अगर उससे एवरेज बढ़ रहा है तो उसकी एज एवरेज से ज़्यादा होगी, अगर आपका एवरेज कम हो रहा है पुराना वाला एवरेज तो उसकी एज एवरेज से कम होगी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ लो, देखो क्या है यहाँ पे आपने क्या करना है द एवरेज ऑफ 37 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लासेस
17 ईयर्स, मतलब आपके पास 37 स्टूडेंट्स है, समझ लो क्वेश्चन को, आपके पास कितने स्टूडेंट्स है, 37 स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज कितना है, कितना है, 17 ईयर्स, ठीक है। व्हेन द एज ऑफ ए टीचर, क्लास टीचर इंक्लूडेड, इट बिकम्स 18 ईयर्स, मतलब जब आपने क्लास टीचर यहाँ से इसको लाया, क्लास टीचर यहाँ से लाया, तो एवरेज क्या बढ़ गई ना, कितनी बढ़ गई, 18 ईयर्स, ठीक है, 18 ईयर्स, ठीक है, समझ लेते क्वेश्चन को। पहले एवरेज कितनी थी, 17 ईयर्स, जब आपका टीचर आ गया तो एवरेज कितनी बन गई, 18 ईयर्स, तो मतलब कितनी बड़ी एवरेज, एक बड़ी ना, कितने मेंबर्स को बड़ी, 37 मेंबर्स को बड़ी। तो ये जो यहाँ पे जो एवरेज है, ये वाला पार्ट यहाँ पे, ये इतना सा है, ये बढ़ा ना एक्स्ट्रा आपका, ये कैसे बढ़ा, ये इस मेंबर की वजह से बढ़ा, जो नया मेंबर आया वो इसको, ये वाला पार्ट बढ़ा। तो यहाँ पे एक वो होता है ना, फॉर एग्जांपल जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा, जितना बड़ा खड्डा उतना बड़ा डंडा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई होल है, तो आपके पास अगर कोई रॉड है वो कितनी जाएगी उसमें, जितना होल होगा, समझ आ रही बात। तो जो ये रॉड है ये किस वजह से होगी, इस होल की वजह से होगी, समझ आ रही बात। तो आपने यहाँ पे क्या देना है, ये कितना आपका 18, ये कितना था आपका 17, तो इस टीचर की एज की होगी, यहाँ तक 18 है, प्लस ये होगा ना, ये वाला जो एक्स्ट्रा आपका मिल रहा है, ये किसकी वजह से मिल रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगी, न्यू एवरेज 18 प्लस एक, इसने एक दिया ना 37 बंदों को, 1 × 37, तो 18 प्लस 37 कितना हो गया आपका, 18 प्लस 37 आपका हो गया, इसको सम करो, 8 × 7 हो गए 15, 1 × 3 = 4, 5 = 55। इसको मैं फिर से समझाऊंगा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखो क्या करना है। अच्छा छोड़ो इस चीज़ को, इसको हम पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। पहले आपके पास कितने बंदे थे, आपके पास थे 17 पर्सन, ठीक है, इनका एवरेज कितना था, 37, ठीक है। अब आपके पास कितने बंदे हो गए, 18, मतलब एक एक्स्ट्रा आ गया ना, उसकी वजह से एवरेज कितना हुआ आपका, एक बढ़ गया ना, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर पहले आपके पास कितने बंदे थे, 37, उनका एवरेज कितना था, 17, ठीक है ना। अब जब आपका एक एक्स्ट्रा बंदा आ गया, एक एक्स्ट्रा बंदा आएगा, आपकी एवरेज कितनी होगी, 18, मतलब प्लस 1। तो ये प्लस 1 किसको मिला, ये सब, इन सब को भी मिला ना, एक तो इस टीचर को भी एक मिला, वो तो खुद मिला, लेकिन उसने एक कितने बंदों को दिया, 37 वालों को दिया ना, समझ आ रही बात। तो न्यू ये जो टीचर था आपके पास, जो एक्स आपके पास आया, या जो भी पर्सन आपके पास आया, उसकी एज कितनी थी, एक तो वो न्यू एवरेज होगा 18, प्लस होगा ये जो उसने ग्रुप को दिया, जो पहले उसमें स्टूडेंट्स थे उनको कितना दिया इसने, मतलब मैं क्लासरूम में आया, पहले एवरेज था 17, जब मैं आया एवरेज हो गया 18, तो मेरी वजह से उनको कुछ मिला ना, क्या मिला, एक एक रुपीज़ मिला, एक मिला, कितने बंदों को मिला, 37 बंदों को, तो 1 × 37 वो हो गया, वो मेरा ही था ना, प्लस क्या होगा, जो एवरेज था 18 प्लस 37, समझ आ रही बात। तो ये मैंने बताया था यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है मुझे यही डब्बा बनाना है, जब भी आपका क्वेश्चन आएगा ना ऐसे, देखो कैसे करना है, यहाँ पे थे आपके पास कितने मेंबर थे, 37, ठीक है, 37, तो एवरेज कितना था, एवरेज था 17, ठीक है। अब क्या हो गया, अब आपका न्यू मेंबर आ गया, तो एवरेज कितना हो गया आपका, 18, ठीक है। तो ये न्यू मेंबर हो गया आपके पास, जब आपके पास न्यू मेंबर आया उसकी वजह से एवरेज बढ़ी कि कम हुई, बढ़ गई ना, तो कितनी बढ़ गई, एक बढ़ गई, तो इसकी एज जो होगी, जो बंदा था ना उसकी एज क्या होगी, उससे ज़्यादा होगी ना, एज एवरेज से ज़्यादा होगी, तो ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने वही याद रखना है, जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा खड्डा, मतलब डंडा कितना बड़ा है, इतना, जिसको मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, ये डंडा, ये किसके बराबर होगा, इस खड्डे के बराबर, इतना, ठीक है। ये आपने इक्वल करना है, इक्वल क्या है, यहाँ पे ये कितना है, ये है ना 18, यहाँ पे कितना है 17, तो यहाँ पे क्या होगा इसका, ये 1 होगा ना, इंटू कितना है, ये कितने बंदे, 37, रेक्टेंगल है ना, इसकी हाइट कितनी है 1, और इसकी ये लेंथ कितनी है 37, तो 1 × 37, तो ये भी होगा ना, ये वाला पार्ट भी 1 × 37, ठीक है। तो 1 × 37 प्लस कितना होगा, 18, यही होगा ना टोटल, यहाँ पे अगर मैं, ये जो आपका टोटल होगा ना यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल हाइट, ये टोटल, ये डब्बे की हाइट कितनी होगी, एक होगी 18 प्लस 1 × 37, ठीक है। तो 18 प्लस 37 आपका 55 आ गया, समझ आ रही बात। यहाँ पे मतलब आपने इस न्यू टीचर की एज निकालनी थी, वो ये डब्बा हो गया ना, ये रेक्टेंगल जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ फिर से, ये वाला,
ये वाला रेक्टेंगल होगा ना जो आपके न्यू टीचर होगा, तो उसकी एज कितनी होगी? एक तो 18 होगी जो आपकी न्यू एवरेज थी, प्लस क्या होगा ये ऊपर वाला जो डंडा है ये किसके बराबर होगा? इस खड्डे के बराबर। आपको पास खड्डा खड्डे की वैल्यू पता है तो डंडे की वैल्यू भी वही होगी। खड्डे की वैल्यू क्या थी? उसकी हाइट थी 1 और लेंथ थी 37, मतलब 37 1 प्लस 18। समझ आ रही बात? उसकी हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, आपको थोड़ा बहुत और समझ आ जाएगा। देखो क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन को समझ लो। सेम कॉन्सेप्ट क्या था? देयर इज अ क्लास ऑफ 59 स्टूडेंट्स having average money 67 rupees, ठीक है। After entering the teacher, the average money becomes 67.5. What's the money of teacher? फिर से हम वही बनाएंगे जो अभी बना रहे थे, वही डब्बा, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स थे? 59, समझ लेना। कितने स्टूडेंट्स थे? 59, ठीक है। एवरेज कितना था? एवरेज कितना था आपका, समझ लेना, एवरेज था आपका 67 rupees, ठीक है, 67 rupees। अब जब टीचर आया, एवरेज कितना बना? 67.5, ये बता रहा है ना, 67.5, ठीक है, 67.5। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया इंक्रीज? 0.5 हो गया ना इंक्रीज, 0.5 हो गया इंक्रीज। अगर इंक्रीज हो गया मतलब जो टीचर आया उसकी, उसके पास जो मनी थी वो ज़्यादा था ना 67.5 से, ज़्यादा था ना 67 से, ठीक है। तो वो कितना होगा फिर? जहाँ पर जो टीचर आ गया उसकी मनी ज़्यादा होगी ना, उसकी मनी ज़्यादा होगी, ठीक है, ये ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? अब कितनी ज़्यादा होगी? यहाँ पे 67.5 है फिलहाल, ठीक है। एक तो ये है, और एक्स्ट्रा कितनी है? ये वाला डब्बा, कौन सा वाला डब्बा? ये वाला डब्बा है ना एक्स्ट्रा, ये हमें निकालना है। तो ये किसके बराबर होगा? इस खड्डे के बराबर, इस खड्डे के बराबर। अब ये खड्डा कितना है, कितना है, इसकी हाइट कितनी है? 0.5। इसकी लेंथ कितनी है? 59। सिंपल। तो आपकी एवरेज क्या होगी? इस एवरेज मनी क्या होगा इस टीचर का? इस एवरेज टीचर की मनी होगी, इसकी होगी 67.5 प्लस होगा 0.5 इंटू 59। ये होगा ना, ये डब्बा जो है इसकी लेंथ है 59 और 0.5 आंसर, ठीक है। तो कितना होगा आपका? 67.5 प्लस 0.5 होगा ना 1/2 इंटू 59, ठीक है। तो कितना होगा? 59/2 कितना होगा? आपको ये भी नहीं, देखो इसमें आपको वो कैंसिलेशन ज़्यादा नहीं करनी होती। 59/2 हमें पता नहीं है, 60/2 कितना होगा? 30 हुआ ना, तो ये कितना, ये 59/2 कितना होगा फिर? 29.5। मतलब ये आप जल्दी कर सकते हो ये वाला पार्ट, यहाँ तो आपने करना है। 2 1 2 2 2 4, ठीक है, 1 9 19, 2 9 18, फिर 1 0 10, 2 5 10, इसको कितना टाइम लगेगा? बहुत लगेगा ना। तो आपने क्या करना है, देखो क्या था, 67.5 प्लस था 1/2 इंटू 59, ठीक है। तो 59/2 मतलब हुआ आपको 60/2 पता है ना, 60/2 कितना हुआ? 30। तो ये 30 से थोड़ा कम था ना 0.5, तो क्या हो गया यहाँ पे 29 point, ये आपका आंसर आ जाएगा 29.5। तो 29.5 किस किससे ऐड करना है? 67.5। तो कितना होगा? 67.5 प्लस 29.5, ये आएगा ना, आप ऐड करना। 5 और 5 कितने हो गए? 10। 1 कैरी ऑन। 9 और 7 कितने हो गए? 16। 16 1 कितना हो गया, ठीक है ना, 5 8 10, 9 9 और 7 हो गए 16 17, 1 कैरी ऑन, 6 और 2 हो गए 8 और 1 हो गया 9 97 आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ गया कैसे क्वेश्चन को करना है। मतलब जब भी आपका टीचर इंक्लूड, नया टीचर या कोई भी मेंबर पर्सन इंक्लूड हो रहा है, आपने यही कंसेप्ट रखना है कि मतलब जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा खड्डा। मतलब फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपका होल होगा वहाँ पे रॉड की जो हाइट होगी, मतलब जो डेप्थ होगी वो उतनी ही जाएगी जहाँ पे उतना जितनी हाइट होल की होगी। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे आपने ये बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझना है, इससे आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो, ठीक है। और दिमाग में रखना है अगर एवरेज इंक्रीज होगी मतलब टीचर की एवरेज ज़्यादा ही होगी, ठीक है, समझ आ रही बात। तो अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है आपका रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट। रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है? मतलब एक बंदा आप दूसरे बंदे से रिप्लेस कर रहे हो, मतलब आपकी मेंबर्स सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जब हम पिछले क्वेश्चन किए थे ना उसमें क्या था, पहले सपोज 59 मेंबर्स थे, फिर जब नया मेंबर आया फिर 60 बन गए, है ना, एक एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट में, आपका यही चीज़ है कि मतलब मेंबर्स सेम रहते हैं लेकिन एक बंदा दूसरे बंदे से रिप्लेस होता है। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने वही चीज़ देखनी है। अगर जो बंदा वहाँ से आ रहा है, जो ग्रुप में आ रहा है, अगर उसकी वजह से एवरेज बढ़ रहा है, अगर उसकी वजह से एवरेज बढ़ रहा है तो उसकी एज क्या होगी? उसकी एज ज़्यादा होगी ना,
उसकी एज ज़्यादा होगी ना, मतलब जो मतलब उसकी उसका वेट ज़्यादा होगा ना जो आपका बाहर गया, समझ आ रही बात। अगर उसकी वजह से एवरेज डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वेट उसका वेट थोड़ा कम होगा। यहाँ पे उसके लिए आपने एक शॉर्ट ट्रिक, पहले मैं बताऊँगा उसके लिए क्या करना है। शॉर्ट ट्रिक में आपने सिंपल याद रखना है कि ये आपने रिप्लेसमेंट के लिए शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। मेंबर्स इन ए ग्रुप, मतलब मेंबर्स इन ए ग्रुप, फॉर एग्जांपल मेरे पास एन मेंबर्स इन ए ग्रुप है, मल्टीप्लाई बाय एज कितनी इंक्रीज हुई। सपोज इफ द एज इंक्रीज बाय 5, 10 या डिग्रीज, जो भी आपका दिया होगा, सपोज एज इंक्रीज हुई 5 से, किसके बराबर होता है डिफरेंस ऑफ रिप्लेसमेंट। डिफरेंस ऑफ रिप्लेसमेंट मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कोई बंदा था उसकी एज थी 50, ठीक है, अब इसको रिप्लेस किया पर्सन ने उसकी एज है 70, तो डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे 70 माइनस 50 है, हो गया ना डिफरेंस 70 माइनस 50। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है, ऐसे हम इस इन क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। देखो क्या था क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सनस इज इंक्रीज बाई 2.5 kg। मतलब यहाँ पे पास जो 8 पर्सनस है उनका एवरेज वेट कितना इंक्रीज हो रहा है 2.5 kg। और वेन वन ऑफ देम उसका वेट कितना है, वेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 56 kg इज रिप्लेस्ड बाय न्यू पर्सन। मतलब कोई पर्सन था उसका वेट कितना था 56 kg, उसको रिप्लेस किया दूसरे बंदे ने, ठीक है। व्हाट्स द वेट ऑफ न्यू पर्सन, मतलब यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है आपने याद रखना है, कितने पर्सन है 8 पर्सन मतलब n मल्टीप्लाई बाई कितना है इंक्रीज कितना हुआ वेट 2.5, ठीक है। तो वो किसके बराबर होता है डिफरेंस इन वेट या क्वांटिटी, जो भी आपके पास, ये आपके फॉर्मूला जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बोला। n आपका नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ पर्सन्स, 2.5 आपका क्या होता है इंक्रीज या डिक्रीज क्या हुआ, और यहाँ पे डिफरेंस इन वेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे पर्सन कितने हैं 8 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं 8 मल्टीप्लाई बाई इंक्रीज कितना हुआ 2.5 किसके बराबर होगा डिफरेंस इन वेट। मतलब वेट का डिफरेंस क्या होगा, एक पर्सन होगा सपोज उसका वेट है सपोज एक्स, ठीक है, उसका वेट हमें पता नहीं एक्स है, माइनस क्या होगा 56 x माइनस 56। मैंने एक्स को माइनस 56 क्यों किया, मैंने 56 माइनस एक्स क्यों नहीं किया, यहाँ पे आप मुझे बताओगे। एक्स माइनस 56 मैंने इसलिए किया क्योंकि जो नया बंदा आया ना आपके पास, जो नया बंदा आया उसका वेट ज़्यादा होगा ना, क्योंकि वेट यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, तो न्यू पर्सन जो आपके पास आएगा उसका वेट ज़्यादा होगा 56 से, तभी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, समझ आ रही बात। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 × 2.5, मुझे नहीं आता, ये होगा ना 5/2 होगा ना, 2.5 होगा ना 5/2, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो क्या होगा 5 × 4 = 20 इक्वल्स क्या आ गया x माइनस 56, ये 56 को इधर करो क्या आ जाएगा 20 + 56 कितना हो गया 76, आपका x आ गया, x मतलब न्यू पर्सन, समझ आ रही बात। तो यहाँ पे आपने इसलिए मैंने लिखा x माइनस 56, मैंने क्यों नहीं लिखा 56 माइनस x, क्योंकि जो x है वो ज़्यादा होगा 56 से, तभी वेट इंक्रीज़ हुआ, अगर वेट डिक्रीज हो तो फिर मैं लिखता 56 माइनस x, समझ आ रही बात। तो यहाँ पे आपने चीज़ को थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिक्रीज़ होता, फॉर यहाँ पे लिखा होता इस इंक्रीज़ की जगह, अगर इस इंक्रीज़ की जगह लिखा होता डिक्रीज़, तो मैं क्या लिखता यहाँ पे ऐसे में लिखता मैं 8 × 2.5 क्या लिखता मैं इक्वल्स किसके बराबर लिखता मैं 56 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि जो नया बंदा आया था रिप्लेस कर रहा था उसकी वजह से वेट डिक्रीज हो रहा था, उसका वेट कम होता, तो यहाँ पे क्या आता था 8 × 5/2, ये आपका आ जाएगा 2 × 2 = 20, ये 20 हमने अभी निकाला इक्वल 56 माइनस एक्स, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती, फिर एक्स की वैल्यू आ जाती 56 माइनस 20, वो क्या आ जाता आपका 36, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो अगर डिक्रीज लिखा होता, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज था तभी मैंने एक्स माइनस 56 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखा है, द एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ मैन इज इंक्रीज बाई 5 years, आपने मैन का नंबर यहाँ पे नहीं दिया है, एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ मैन इज इंक्रीज बाई 5 years व्हेन ए मैन एज्ड 18 years, व्हेन ए मैन एज्ड 18 years इज रिप्लेस बाई मैन ऑफ 38 years, ठीक है। मतलब आपके पास कोई ग्रुप ऑफ मैन है, सपोज आपके पास एन नंबर ऑफ मैन है, उसका एज कितना इंक्रीज़ हुआ 5 years से, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा डिफरेंस क्या है आपके पास 38 माइनस 18, तो यहाँ पे क्या आ गया एन इंटू फाइव इक्वल्स 38 माइनस 18 क्या होगा 8 को 8 माइनस करो 0 है ना, 0, 3 को 1 माइनस करो 20, तो क्या आ गया 5 × 5 = 20, एन आपका 4 आ गया, सिंपल। आपके पास मैन कितने थे 4, आंसर फिर समझाऊँगा। यहाँ पे आपके पास मैन का ग्रुप नहीं दिया था, आपने लिखना है लेट
लेट द नंबर ऑफ मैन कितनी थी आपके पास, लेट द नंबर ऑफ मैन थे आपके पास एन नंबर, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पर्सन इन टू इंक्रीज, इंक्रीज कितना हुआ 5, एक वाले डिफरेंस, डिफरेंस क्या है 38 माइनस 18 क्या आगे आपके 20, ठीक है ना, 5 5 5 4 20, तो नंबर ऑफ मैन कितनी थे आपके पास 4 आंसर, ठीक है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में आपने यही फॉर्मूला रखनी है, आपको जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को समझ लो, क्या बता रहा है क्वेश्चन कि अजीत हैज सर्टन एवरेज इन 9 इनिंग्स, मतलब अजीत या कोहली जैसे आप कोई बैट्समैन है उसको कोई एवरेज है कितने 9 इनिंग्स, 9 मैच खेले हैं उसमें उसकी कुछ एवरेज है, हमें एवरेज पता नहीं है। इन द 10th इनिंग्स ही स्कोर 100 रन, मतलब जो आपकी उसकी 10th इनिंग थी उसने क्या की 100 रन स्कोर किया, देयर बाई इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाई 8 रन, मतलब उसकी जो प्रीवियस एवरेज थी वो कितनी इंक्रीज हुई 8 रन, हिज न्यू एवरेज, उसकी न्यू एवरेज क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपने वही जो मैंने बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट बताया वही आपसे वही उससे आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल आराम से। देखो क्या करना है, समझ लेना क्वेश्चन को, फिर हम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्या था क्वेश्चन, 9 इनिंग्स में अजीत की एवरेज क्या थी, लेट इट बी एक्स, मुझे पता नहीं है, ठीक है। अब जो उसका 10th मैच था उसकी एवरेज कितनी इंक्रीज हो गई, उसकी एवरेज इंक्रीज हो गई 8 हो गई ना इंक्रीज, ये मतलब आपका इंक्रीज हो गया 8, ठीक है। तो ये एवरेज क्या होगी, एक्स प्लस 8, न्यू एवरेज होगी ना एक्स प्लस 8, एक्स थी पहले एवरेज, जब उसने 10th मैच में 100 रन किए उसकी एवरेज क्या होगी एक्स प्लस 8, मतलब एक्स प्लस 8 ये क्या आपके पास है, ये आपके पास है न्यू एवरेज, ठीक है। अब क्या बता रहा है, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे दिया है कि उसने 100 रन स्कोर किए मतलब किस मैच में, 10th मैच में, तो 100 कहाँ पे होगा, ये होगा ना आपके पास 100, यहाँ पे आपके पास ये 100 है, ठीक है। अब अपने निकालना है ये न्यू एवरेज कैसे आएगा, आपका पास कॉन्सेप्ट क्या है, वही जो मैंने बताया था अभी, मतलब जो ये हाइट होगी ना ये वाली जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो आपकी हाइट है ये किसके बराबर होगी, इस खड्डे के बराबर, इस खड्डे के बराबर जो मैंने यहाँ पे किया, इस खड्डे की हाइट क्या है यहाँ पे 8, उसकी लेंथ कितनी है 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8 × 9, वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा यहाँ पे, इसके बराबर, किसके बराबर, इसके बराबर होगा ना, ये जो डब्बा ऊपर है ये डब्बा कितना है, ये है देखो यहाँ पे इसकी इसकी विड्थ कितनी है 1 है ना, क्योंकि एक बंदा है, लेकिन ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, इसको हमने 100 को माइनस करना है, ये x प्लस 8 है ना, तो यहाँ पे ये हाइट आ जाएगी 100 माइनस x प्लस 8, ही हाइट आएगी ना ये, तो आपको क्या आ जाएगा 8 × 9 किसके बराबर होगा, यहाँ पे 100 माइनस x प्लस 8 इंटू होगा 1 क्यों होगा, क्योंकि आपके पास ये जो इसकी विड्थ है 1 हाइट है ये, तो यहाँ पे इसको आप कर सकते हो आप सॉल्व, यहाँ पे आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं बताऊँगा इसको कैसे करना है आगे। तो यहाँ पे क्या आपका आ रहा था, आपका आ रहा था ऐसे 8 × 9 किसके बराबर आता, आपका आ रहा था 100 माइनस एक्स प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है ना, तो ये क्या आ गया 8 × 9 = 72, ठीक है, इक्वल्स 100 माइनस एक्स माइनस 8, ये आ रहा था ना, मल्टीप्लाई बाई 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 72 इक्वल्स 100 माइनस 8 कितना हो गया 92 माइनस एक्स, ठीक है ना, तो एक्स को इधर करो एक्स प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 92 माइनस 72, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 20, x की वैल्यू 20 आ गई, लेकिन x क्या था वो आप फिर से डब्बा बना लो, x की वैल्यू 20 आ गई, मतलब यहाँ पे जो आपके पास डब्बा था क्या था, बॉक्स था ना आपके पास ऐसे, ये थे 9 मेंबर्स, समझ लेना, ये आपके पास x था, ठीक है, फिर जब 10th मेंबर आया, 10th मेंबर आया एवरेज कितनी होगी आपकी x प्लस 8, ठीक है, किसकी वजह से होगी आपके पास, जो उसने 10th मैच में 100 स्कोर किया, ये आपका 100 था यहाँ पे टॉप पे, तो ये डिफरेंस कितना था आपका इन दो को माइनस करके, तो एक्स आपका कितना आ रहा है, एक्स आपका आ रहा था 20, एक्स आपका आ रहा था 20, लेकिन ये पूछ रहा है न्यू एवरेज, न्यू एवरेज क्या आपके पास एक्स प्लस 8, तो न्यू एवरेज क्या हो गया यहाँ पे 20 + 8, तो कितना हो गया यहाँ पे 28। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है कि ये एवरेज पुराना पूछ रहा है, अगर इसने बोला था ना फाइंड इस प्रीवियस एवरेज,
तो वो था 20, लेकिन अगर उसने न्यू एवरेज पूछे तो वो है 28, क्योंकि इसने ऑप्शन में पहले ही 20 दिया होगा ताकि आप क्वेश्चन को गलत करो। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, ये अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन था, तो फिर देखना कि ये पूछ कह रहा है, ये पूछ रहा था न्यू एवरेज, तो न्यू एवरेज वाला ये था ना इंक्रीज जो हुआ 8 से, तो पहले 20 था फिर 8 इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया 28, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन किए आपके, देखो यहाँ पर पहले ही ऑप्शन इसने रखा था 20, तो यहाँ पर गलत हो जाता अगर आप ये ऑप्शन करोगे, फिर एक्चुअल आंसर इसका क्या है, ये वाला 28, ठीक है 28। तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस किए इस पर, उसके बाद इस पर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और आते हैं और भी हम 10-12 क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे, ताकि आपका हर एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एवरेज पे आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।